हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसकी आवेदन बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। अगर हम OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो OBC कैंडिडेट्स के लिए आपको 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल तक रखी जाएगी। यानी 18 साल से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो OBC कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। अगर हम AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 पोस्ट नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट नेम ट्रेडमैन मेट की बात करें तो उसके लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम पोस्ट नेम फायरमैन की बात करें तो फायरमैन के लिए भी अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू यानी डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले अगर हम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो हमारा रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन आर्मी ऑर्डेंस क्रॉप्स यानी AOC की तरफ से ये वैकेंसी निकाली जाएगी। पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम फायरमैन एंड ट्रेडमैन मेट के लिए भर्ती रखी जाएगी। अगर हम मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो हमारा मोड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अभी जारी नहीं की गई है, ये वैकेंसी आपको 10,000 प्लस देखने को मिल जाएगी। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो आपको ये वैकेंसी की एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जुलाई या अगस्त के महीने में देखने को मिल जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं की गई है, जैसे ही जारी की जाएगी तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर हम सैलरी और पे स्केल की बात करें तो आपको सैलरी 18,000 रुपये से लेकर 19,900 रुपये तक पर मंथ देखने को मिल जाएगी। अगर हम AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजॉइनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट्स की बात करें तो सेकेंड पार्ट्स में हमें नमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। अगर हम तीसरे पार्ट्स की बात करें तो तीसरे पार्ट्स में हमें जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। चौथे पार्ट्स की बात करें तो चौथे पार्ट्स में हमें जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 मार्क्स के लिए रखी जाएगी। अगर आप भी AOC के फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।